शिकायत दी गई है जो भीमराव अंबेडकर जी की पोस्टर से फोटो उतारी गई थी उसको लेकर, पूरा मामला बताएं क्या है। पूरा मामला ये था जी, यहाँ 5 तारीख को हमारी 5 जुलाई को दिल्ली में किसानों की बैठक थी और मैं तो वहाँ 4 को चला गया था। तो लगातार अब 3 तारीख 4 5 6 लगातार हम पार्टी का संगठन विस्तार का हमें काम दिया गया है, जो पूरे हरियाणा में हम पूरे दिल से निभाने का काम कर रहे हैं। और देखिए 6 महीने पहले हमने ये दफ्तर खोला था यहाँ पर, और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, अंबेडकर जी जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनको इतना मानते हैं क्योंकि वैसे तो क्रांतिकारियों ने बड़ा सहयोग किया, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह और माननीय अंबेडकर जी ने तो देश की दशा और दिशा के बारे जितना काम किया इतना कौन कर सकता है। तो हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति, इतना घिनौना काम किसी ने किया कि हमारी गैर हाजिरी में जो हमने एक पोस्टर लगाया था 6x4 का, उसमें माननीय अंबेडकर जी की फ़ोटो को किसी ने हटाने का काम किया। ये 5 तारीख की घटना है। 5 तारीख को कुछ हमारे जो बहुत योग्य साथी हैं, ये जो भीम आर्मी है, ये अंबेडकर जी की नीति निर्धारित करती है, तो उन्होंने जब ये देखा तो उनका हमारे पास फोन गया। 5 बजे की ये घटना है। तो मैंने एक ही बात कही कि भाई एप्लीकेशन तो मैं दे करके रहूँगा, क्योंकि मेरे कार्यालय पर आज ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों ने ऐसा कार्य किया, वो बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पीछा परिवार भी रहता है सतीश राय जी का, कल वो ऐसी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। तो भाई चलो, उनका भी आक्रोश सही था, मैं ये मानता हूँ वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने यहाँ पर आकर के कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ऐसी घटना हुई है और जिसके जिम्मेवार आर्य को उन्होंने माना। तो दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ कि चलो वो हमारा आपसी बात है, उससे हम निपटेंगे, लेकिन मैं पूरे अपने जितने साथी हैं, पूरा समाज है, इसमें सद्भावना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अंबेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग ही आपस में डिवाइड हो जाएं। शरारती तत्व तो चाहते हैं कि अंबेडकरवादी जो आज जिनका दल बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये आपस में डिवाइड हों। तो ये डिवाइड होने का काम किया गया, ये अपमान जिसने भी किया, मैंने आज यहाँ पर एप्लीकेशन भी दी है और हम 10 तारीख को फिर आएंगे। और मैं नहीं आऊँगा, पूरी आम आदमी पार्टी यहाँ पर आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी देशभक्त का, किसी भी क्रांतिकारी का हम अपमान नहीं होने देंगे। हमारी गैर हाजिरी में यदि अपमान किया जाता है उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम आज कहने के लिए यहाँ पर आए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर आपके और जो कार्यालय के संचालक हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कहीं अब उस कार्रवाई से बचने के लिए तो आपके द्वारा यह जो शिकायत आज दी गई है वह नहीं दी गई? देखिए, यदि हम अपने केस से बचने की बात करते तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात करते जिन्होंने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन डाली है। हमने कहा कि नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो अंबेडकर जी की नीति पर चलने वाले साथी हैं, हम ही उस नीति पर चलने वाले लोग हैं, ये कोई बात नहीं है। बात तो ये है कि मेन जिन्होंने हमारे घर पर हमला किया, जिन्होंने हमारे जिनको हम आदर्श मानते हैं, उन आदर्श महान साथियों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, हम ये नहीं होने देंगे। आज SHO साहब हमें यहाँ नहीं मिले, उनकी कोई मीटिंग है और उन्होंने कहा कि 10 तारीख को यहाँ पर आना है। और मैं एक और निवेदन, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे भी चर्चा की, हमारे भीम आर्मी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कमल भाई, मैंने उनसे भी बात की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाज आपस में डिवाइड हो, गलत लोगों को सजा मिले, हम यही कहने चाहते हैं यहाँ पर। तो यदि आपकी बात पहले हो चुकी थी तो FIR तक की नौबत क्यों आई, उन्हें वेट करना चाहिए इस मामले को? नहीं, मैं ये मानता हूँ वो जरूरी था, वो जरूरी इसलिए था क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रशासन की भी मजबूरी बन जाती है, जब एक समुदाय के लोग, एक विचारधारा के लोग जब इस बात को देखते हैं तो उनका आक्रोश जायज़ था, उनका गुस्सा जायज़ था। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो, हम चाहते हैं कि जिसका कार्यालय हो उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने बुरा किया, उन्होंने सही किया। आज हम यही बात रखने के लिए SHO साहब से मिलेंगे, DC से मिलेंगे, SP से मिलेंगे, हम ये बताएंगे कि गलत लोगों को सजा दी जाए। अच्छे लोग किसी भी समाज के हैं, किसी भी पार्टी से हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम तो ये कहने के लिए। पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और यदि कोई पार्टी का ही कार्यकर्ता या कोई अन्य आसपास का कार्यकर्ता कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आम आदमी पार्टी सहयोग करेगी? सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें पार्टी से बढ़कर होते हैं क्रांतिकारी, पार्टी से बढ़कर हुआ करता है समाज, पार्टी से बढ़कर हुआ करता है मेरा देश, मेरा राष्ट्र,
हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी को, अभी मैंने इसके बारे जानकारी नहीं दी है, इसलिए जानकारी नहीं दी क्योंकि पार्टी ये मानती है कि हम सभी अंबेडकर जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। यदि हम इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं तो शायद निजी दूसरी पार्टियां हैं वो फ़ायदा उठाने का कार्य करेंगी, वो भड़काने का काम करेंगी, वो ये कहेंगी कि देखिए आम आदमी पार्टी किस राह पर चली है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों का सम्मान करती है, आम आदमी पार्टी में देशभक्त साथी हैं, अंबेडकर जी की विचारधारा को मानने वाले हैं, भगत सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा को मानने वाले हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले आदमी हैं, ये कभी इनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैं तो ये बात लेकर के आ जाया था। धन्यवाद।